तो हेलो गाइज, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा, व्हाट्सएप की न्यू ट्रिक, जिसमें आप किसी भी व्हाट्सएप की फ़ाइल को हाइड कर सकते हैं। किसी भी फ़ोटो या किसी भी वीडियो को आप आराम से हाइड करके रख सकते हैं अपने फाइल को, ठीक है। तो वीडियो को मैं बने रही हूँ, वीडियो को पूरे लास्ट तक जो देखिएगा, ताकि मैं यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा। और बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, आप इसको यूज करेंगे तो बहुत इंटरेस्ट इसमें आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं, तो आपको सिंपल सा यहाँ पे एक लाइक जरूर कर देना है। लाइक करने के बाद इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना, तो बगल में एक बेल आइकन दिखेगा उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम है हाइडवा मीडिया, ठीक है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको वहां से डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, उसको ओपन करूंगा और पूरी सेटिंग के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरे लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और कैसे आपका फाइल हाइड होता है, और किसी भी वीडियो को आप हाइड कर सकते हैं, फ़ोटो को हाइड कर सकते हैं। कितने लोग हैं कि अपने फ़ोटो व्हाट्सएप में हाइड करके रखते हैं या गैलरी का फोटो हाइड करके रखते हैं। तो इसको सिंपल सा आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे पेज क्रिएट करने के लिए बोली जाएगी। इसलिए मैं पेज क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। पेज क्रिएट करने के बाद पूछी जाएगी क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन, सीक्रेट क्वेश्चन डाल देना है, कुछ भी। और ये बहुत हार्ड हाइडन लॉक है, ठीक है। आप यहाँ पे आपके सिवा कोई भी ओपन भी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देना है आपको। तो फ्रेंड्स, जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा अलाउ को, तो आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा होगा, एक शो का ऑप्शन दिख रहा होगा, एक हाइड का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब अगर आप शो करते हैं तो आपका फाइल शो करने लगेगा, क्लिक कर देते हैं। अगर हाइड करते हैं तो आपका फाइल हाइड हो जाएगा। तो चलिए, मैं व्हाट्सएप का जितनी भी फ़ोटो है उसकी फाइल हाइड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल से मैं हाइड पर क्लिक कर दूँगा और यहाँ पर ओके कर दूँगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ओके करेंगे तो मेरा फाइल हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने हाइड कर चुका है। मैं अपने गैलरी में जाऊंगा और यहाँ पे देखूंगा व्हाट्सएप का फाइल। यहाँ पे आपके सामने मैंने गैलरी ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे जाऊंगा सीधा सा मैं गैलरी में, और यहाँ पे मैं देखूंगा व्हाट्सएप इमेज फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, हाइड हो चुका है। और मैं यहाँ पर आपको शो करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सिंपल सा उस एप्लीकेशन में हम जाएंगे, जाने के बाद इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे शो का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे शो पे क्लिक करके यहाँ पे ओके कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे शोइंग फाइल हो गया। उसके बाद मैं फिर से यहाँ पे गैलरी पे जाऊँगा और यहाँ पे देखूँगा व्हाट्सएप इमेज का फाइल आया है कि नहीं आया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे व्हाट्सएप इमेज का फाइल आ चुका है, ठीक है। तो आप ऐसे हाइड कर सकते हैं। फिर से इसको हाइड करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो फिर से उस एप्लीकेशन में हम जाएंगे और यहाँ पे हाइड कर देंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा स्कैनिंग करता है फाइल को और हाइड कर देता है सभी को। उसके बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो व्हाट्सएप का फाइल था वो गायब हो चुका, यहाँ से हाइड हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे करके आप हाइड कर सकते हैं और यहाँ पे वीडियो, जो भी व्हाट्सएप वीडियो है उसको भी आप हाइड करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ओनली वो व्हाट्सएप का ही ये फाइल हाइड कर सकता है, दूसरा फाइल हाइड नहीं कर सकता है। तो आप जितनी भी व्हाट्सएप में कुछ भी चीज़ रखते हैं, उसको ऑडियो हो या वीडियो हो या फोटो हो, उसको हाइड कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर बहुत बेस्ट सेटिंग मैं आपको दिखाया, और आप इस सेटिंग को एक बार जरूर आजमाएं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय से मिलती रहे।